हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो आज की इस वीडियो में फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट को। डिविजिबिलिटी टेस्ट जो कि आपके पास 1 से लेकर बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं 13 तक सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है क्योंकि लास्ट में हम 13, 7 और 11 को डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, थोड़ा यूनिक वे भी है वो, तो जो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए डिस्कस करते हैं वन बाय वन सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट और उनके बहुत सारे एग्जांपल है ना। सो सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। कोई भी ऐसा नंबर, पहली बात तो बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन है। पहली बात, नंबर इवन होना चाहिए, इवन नंबर जितने भी होंगे 2 से डिविजिबल होंगे। सेकंड चीज क्या है, उसके लास्ट में, नंबर के लास्ट में हमारे पास 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये पांचों नंबर देखने को मिल जाते हैं आपको, तो आप समझ जाइएगा नंबर 2 से डिविजिबल है। ये दोनों कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे 2 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट के लिए। कोई भी नंबर 48, 47 और 45 बताना है तीनों में से कौन सा डिविजिबल है। ऑब्वियसली बात है, क्लियर सबको पता है सर, 48 के लास्ट में 8 है और 48 ऐसा नंबर है जो इवन है। सो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, बच्चों को भी पता होगा, बहुत कॉमन सी चीज है। सो ये डिविजिबल है और ये दोनों डिविजिबल नहीं है 2 के। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, काफी इजी है। इसमें क्या होता है, सम ऑफ किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर की सभी डिजिट का, ईच एंड एवरी डिजिट का सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर भी हमारे पास 3 से डिविजिबल होगा। सपोज दैट, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 2, 3, बताओ ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। 3 + 1, 3 + 2 + 1 कितना होता है, 6, और 6 3 के टेबल में आता है, यस हाँ आता है, तो 123 भी डिविजिबल होगा। कोई और भी 9 एग्जांपल ले लेते हैं, 9, 9, 8, बताओ ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। तो चेक करते हैं 9 + 9 + 8 कितना आता है, 26, 9, 9, 18 और 8, 26, 26 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो सर ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7, 7, 7 कितना होगा, ऐड करते हैं 7 + 7 + 7 इट्स 21, और 21 हमें पता है 3 के टेबल में आता है 7 टाइम्स पर, मतलब 777 3 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्लियर हो गया ना। सेम एज फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर, या फिर बोल सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। मतलब हम देखेंगे हम 4 जो नंबर है उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होगा। कोई भी एक नंबर लिखते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं 1, 0, 2, 3, 4, कैसे पता चलता है डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में 4 की, मैं आपको बता दूं, लास्ट की दो डिजिट ये दो नंबर जो दिख रहे हैं लास्ट के 3 और 4, ये अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारे पास 4 से डिविजिबल होता है। तो 34 तो 4 के टेबल में आते ही नहीं है, तो सर ये डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9, 8, 7, 3, 2, अब बताओ लास्ट में हमारे पास क्या रहा है, 32 4 के टेबल में आता है, यस 8 टाइम्स पर आता है, तो सर ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इजी है ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियरली, मतलब हम तीनों के डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे सीख चुके हैं। अब हम रिमेनिंग या फिर बोल सकते हैं अदर नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, जैसे कि 5, 6, 7 है ना। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए देखते हैं। 5 के लिए काफी ज्यादा इजी है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट बोल सकते हैं एंड डिजिट, अगर 0 और 5 आ जाए सो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज दैट कुछ भी नंबर लिखा है आपके पास, लास्ट में 0 है, यस डिविजिबल होगा, लास्ट में 0 नहीं है, नहीं होगा, 1, 0, 1, 5 लास्ट में 5 है, होगा। 5 के अलावा, 0 और 5 के अलावा कोई भी नंबर लास्ट में आ जाएगा एंड डिजिट पर, 1 प्लेस की डिजिट पर, तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। 0 और 5 आएगा तो डिविजिबल होंगे। क्लियर है, 5 को तो बिल्कुल इजी था। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 के लिए देखते हैं, 6 के लिए और ज्यादा इजी है। कैसे, देखो 6 के फैक्टर हमें बहुत अच्छे से पता है, 2 × 3 कोई भी नंबर है अगर वो 2 से और 3 से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। पहली डेफिनेशन ये। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर कोई इवन नंबर है, कौन सा नंबर इवन नंबर है, जैसे कि 6, 2, 8, 9, 4 लास्ट में 4 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल तो हो ही होगा। अब 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इवन नंबर की, उसका सम 3 से डिविजिबल है या नहीं चेक कर लेते हैं, यस और नो चेक करते हैं, कितना आएगा, 8, 16 ये आएगा हमारे पास, 25, 29 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ध्यान रखना है आपको 6 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट की, 2 से और 3 से दोनों से होना चाहिए। इवन नंबर है और 3 से चेक करते कैसे हैं, उसके डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए, तो नहीं आया तो नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो भी 6 से नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए। अब इन तीनों डिविजिबिलिटी टेस्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो है 6 का, बहुत सही 7 का, वो देखते हैं किस तरीके से होगा। मैंने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हैं, समझते हैं वन बाय वन सबको है ना। 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बताते हैं, ज्यादातर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं होता है तो मतलब देखेंगे आप कैसे आराम से। कोई भी नंबर है
आपको उस नंबर का ट्वाइस करना है, यूनिट वाली ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट का। 8 का डबल कितना होगा 16 और 16 को माइनस कर देंगे 79 में से, यूनिट प्लेस पे जो हमारे पास एंड की डिजिट होगी उसके ट्वाइस को 8 का डबल 16 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस तो हमें करना आता ही है, कितना आएगा 63। और 63 7 के टेबल में आता है, यस ऑब्वियसली बात है आता है, कितना आएगा 79। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, क्लियर हो गया। मतलब क्या करना है, यूनिट वाली प्लेस की डिजिट को डबल करके माइनस कर लेंगे, पता चल जाएगा 449। इसका बताइए 449 हमारे पास, इसे चेक करते हैं, 44 सेम ऐसे लिखते हैं, 9 का डबल होगा 18, माइनस करेंगे ना कितना आएगा ये चेक करते हैं, ये आएगा हमारे पास 26 ना, यस नो, 26 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे इसे चेक करते हैं कितना लगेगा 595, 59 ऐसे लिखते हैं और 5 का डबल होता है 10, कितना बचा 49, और 49 7 7 49, ये 7 के टेबल में आता है तो ये डिविजिबल होगा, यस और नो। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे सुनिएगा। कोई भी बड़ी डिजिट अगर आपके पास आ जाती है 1589, ये अगर मेरे पास आ जाता है तो आप जैसे मैंने 3 डिजिट वाले लिखे सर, इसे कैसे चेक करेंगे, तो 158 ऐसे लिखेंगे आप और 9 का डबल 18, माइनस करेंगे कितना आएगा 140, 147 से डिविजिबल है, यस क्लियर है डिविजिबल है। मतलब 140 और आपको बड़ा लग रहा है तो दोबारा जीरो वाले डिजिट को हम क्या करते हैं, इसको एक बार और कर लेते हैं, 140 लास्ट वाले डिजिट का डबल, जीरो का डबल जीरो ही रहता है, सो जीरो माइनस करेंगे 14 7 के टेबल में आता है, यस आता है। ये वाली स्टेप को याद रखना, कोई भी बड़ी डिजिट आती है तो हम 3 डिजिट लाने के बाद एक और बार कर सकते हैं, 2 डिजिट एक और बार कर सकते हैं, डिजिट कम होती रहेंगी। होप सो 7 की डिजिबिलिटी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना बोले, जिससे कि मैं इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इसकी डिजिबिलिटी एक बार और देख लेंगे। और देखते हैं रिमेनिंग नंबर्स जैसे कि 8 9 और 10 के लिए डिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, डिविजिबिलिटी देखते हैं अब 8 के लिए 9 के लिए और 11 के लिए। 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल सबसे ज्यादा इजी होता है, आपको पता होगा जिस डिजिट के लास्ट में जीरो है वही 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबिलिटी टेस्ट 10 के लिए कुछ स्पेशल होती ही नहीं है ना, लास्ट में जीरो तो डिविजिबल होगा अदरवाइज नहीं होगा। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम नंबर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1289 कुछ भी लिख लेंगे, लास्ट की 3 डिजिट, जैसे कि देखो बहुत अच्छे से आसान से बहुत, जैसे कि 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की 1 डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है, 2 4 और 8 सेम है उनके लिए। तो यहां पर देखो 289 क्या ये 8 से डिविजिबल होते हैं, 28 8 के टेबल में आता है, 8 3 जा 24 4 री मैंने 49 49 8 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं होगी। पहले भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब क्या और ऑब्वियसली बात है लास्ट में 9 है तो ये डिविजिबल होने वाला ही नहीं है ना। एक और चेक कर लेते हैं 128 67128 क्या ये 8 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, लास्ट की तीनों डिजिट 8 के टेबल में आती हैं, अभी चेक कर लेते हैं, 8 1 जा 8 कितना बचा 4 बचा 48 8 के टेबल में आता है, यस 4 6 48, तो यानी कि ये डिजिट हमारे पास 8 से डिविजिबल होगी। अब रिमेनिंग डिविजिबिलिटी देखते हैं, 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, बहुत आसान है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि 3 का होता ना सेम वैसे ही, सभी डिजिट का सम 9 के टेबल में आता है तो ये 9 से डिविजिबल होगा अदरवाइज नहीं होगा। 7 9 8 2 8 9 0 अब देखते हैं 9 से डिविजिबल है नहीं है, सबको सम करो 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 0 कितना आएगा हमारे पास, देखते हैं 9 9 18 और 8 कितने होते 26 और 7 33 9 के टेबल में आता है नहीं आता, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चेक करते हैं और भी हमारे पास क्या आ सकते हैं, 7 9 9 8 3 अब इसे चेक करते हैं ये 9 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, सबका सम करो पहले, सबका सम 9 3 27 और 7 34 और 8 42 और 3 45 9 के टेबल में आता है 9 5 45 यस ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ये वाला नहीं होगा, क्लियर हो गई 9 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, सो 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इजी है। 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 7 2 8 लिख सकते हैं या फिर और कोई नंबर लिख सकते हैं, ये लिख लेते हैं हम 4 9 8 7 इन नंबर्स को चेक करते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना है हमें एक छोड़कर एक लिखना है, मतलब 8 प्लस 7 कितने होते हैं 15, 2 प्लस 2 कितने होते हैं 4, दोनों का डिफरेंस कितना है 11 आ रहा है, यस 0 या 11 का कोई भी फैक्टर 11 22 33 ये कोई भी फैक्टर आते हैं तो वो नंबर हमारे पास 11 से डिविजिबल होगा अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे आप इस नंबर में चेक कर सकते हैं 9 और 7 कितने होते हैं
16 होते हैं, 16 में से 8 प्लस 4 12 माइनस करेंगे 4 आएगा, जो कि हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट को 11 के फॉलो नहीं कर रहा, 0 या 11 आने चाहिए थे, 22 33 आता तो डिविजिबल होता, ये डिविजिबल नहीं है। होप सो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब रिमेनिंग 12 को तो हमें चेक करना ही नहीं है, 12 तो इजीली 4 और 3 से होगा तो 12 से डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं 13 का, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है 11 की तरह ही, सॉरी 7 की तरह हो ना, तो देखते हैं 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या। तो 13 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करने के लिए यहां पर मैंने दो एग्जांपल भी मेंशन किए हुए। 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा यूनिक है, नेट पर आया बोल सकते हैं, इंटरनेट पर या फिर आपके बोल सकते हैं यूट्यूब पर डिफरेंट रूल्स मिल सकते हैं 13 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को लेकर। जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो शॉर्टेस्ट वन या फिर बोल सकते हैं अच्छा है मेथड, देखते हैं किस तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट है 13 का ना, करते क्या बहुत अच्छे से देखना है। कोई भी नंबर है तो उसकी यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट लिखी हुई है, 9 लिखा हुआ है, 9 की 4 में मल्टीप्लाई करो, 9 4 जो 36 और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग हमारे पास कितना है 276, 276 में से ऐड कर दो कितना आएगा 66 12 कैरी 1 ये आएगा 11 312, जो भी रिमेनिंग नंबर आएगा वो 13 से डिविजिबल होगा। अगर अभी भी नंबर आपको बड़ा आ रहा है तो यही चीज आप दोबारा फॉलो कर सकते हो, 31 रिमेनिंग लिखते हैं सेम ऐसी यूनिट डिजिट का 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 जो 8 और ऐड करो 9 39, आपको पता है 13 के टेबल में आते ही आता है, यानी कि ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा, कितना इजी था। सेम यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, यूनिट डिजिट की छोड़कर रिमेनिंग को ऐसा लिखो, यूनिट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और दोनों को ऐड कर लो 78, 13 के टेबल में आता है, यस 13 6 78, तो मतलब ये भी 13 से डिविजिबल होगा। होप सो कॉन्सेप्ट आपको 13 के डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्लियर हो गया। अब तक की 2 से लेकर 13 तक सभी नंबर के हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, ये वीडियो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हाँ, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए रिपीट हुए क्वेश्चन को या PYQS बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।